एमएस यूनिवर्सिटी में रोजनी 10,370 जेरोक्स कॉपी काढ़वाना रूपया 12.60 लाख कौभांड सहित संख्याबंध बाबतों में थे भ्रष्टाचार ने खुल्लो पाड़नार ओझा ने आखरे यूनिवर्सिटी सत्ताधीशोए तात्कालिक असर थी हटावी दीधा था। सरकार नियुक्त सीएओ उमेश ओझाए जेरोक्स नो कॉन्ट्राक्ट रद्द कर्या बाद वीसीए डीसीएम एजेंसी ने पुनः कॉन्ट्राक्ट आप्या बाद रूपया 14 लाख चुकवणा कर्या। तेमज डीसीएम नी भगिनी संस्था कृष्णा कॉर्पोरेशन ने टेन्डर वगर बारोबार कॉन्ट्राक्ट आपीने रूपया 12.60 लाख जेरोक्स बिलनी चुकवणी करीने नाणाकीय कौभांड आचरवामां आव्यु होवानो गंभीर आक्षेप कर्यो हतो। गंभीर आक्षेप में ओझा दररोज नवा घटस्फोट करता अशोभनीय परिस्थिति में घेरायेला यूनिवर्सिटी सत्ताधीशोए कौभांड सामे तपास करवाना बदले आरोप मुकनार सीएओ उमेश ओझा ने फरजमुक्त करीने तेमनी ऑफिस तथा अकाउंट्स ऑफिस ने सील मारीने कौभांड पर पड़दो पाड़वानो खेल करता शैक्षणिक जगत में भारे खड़भड़ाट मची गयो छे। મને એવું અત્યારે ખબર છે કે મને યુનિવર્સિટીમાં એ ગેરોક્સાઈ ધબે યુનિવર્સિટીની અંદર કોઈ પણ જાતના લેખિત હુકમ સિવાય મને અત્યારે યુનિવર્સિટી બિલ્ડિંગની અંદર જે અંગે ભારતનું કોઈ પણ બંધારણ તેઓને સત્તા નથી આપતું તેવી કેવો ગેરકાયદેસર કાર્યવાહી કરી અને મને અંદર જવાની ના પાડે છે અને આ હું જરૂરી પોલીસ કેસ સુધીની કાર્યવાહી કરવા માટે યોગ્ય આગળની કાર્યવાહી કરીશ। આપને કઈ અત્યાર સુધી નોટિસ મળી કઈ? ના, અત્યાર સુધીમાં એવો એ મને એક કે બે કાગળ એની સત્તા મર્યાદાની બહાર આપેલા હતા અને તે કાગળો તેઓને મેં સપ્રેમ પરત કરી દીધેલા છે અને એની અંદર લખેલું હતું કે તમને આ અંગેની કોઈ સત્તા ન હોય આ સાથે તમને આ કાગળ પરત કરવામાં આવે છે અને આ અંગે તમારે સરકારશ્રીને જાણ કરવી। કૌભાંડની અંદર મારે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ નથી એની અંદર કશું કહેવાનું, જે હોઈ શકે મારે કૌભાંડ કયો કે કશું નથી, મારે તો સરકારને જે મારા જે હિસાબીમાં જે કંઈ ચાલતું હતું એની મેં સરકારને જાણ કરેલી છે જે મારી સત્તામાં આવે તે। એમએસ યુનિવર્સિટીના ઝેરોક્સ કૌભાંડમાં 14 લાખનો ભ્રષ્ટાચાર થયોનો ખુલ્લેઆમ આક્ષેપ કરનાર સીએઓ ઉમેશ ઓઝાને યુનિવર્સિટીમાંથી ફરજમુક્ત કરવાના વીસીને અને 12 સિન્ડિકેટ સભ્યોના નિર્ણયનો તાત્કાલિક અમલ કરવા માટે યુનિવર્સિટી રજિસ્ટ્રાર ડૉક્ટર નિર્જા જયસ્વાલ દોડી ગયા હતા। સીએઓની ઓફિસ પાસે પહોંચીને યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ડૉક્ટર નિર્જા જયસ્વાલે યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓને સૂચના આપીને ઉમેશ ઓઝાની ઓફિસ તથા અકાઉન્ટ્સ વિભાગની ઓફિસને સીલ મરાવ્યું હતું। સીએઓ ઉમેશ ઓઝાની ઓફિસને સીલ મરાવ્યા બાદ યુનિવર્સિટીના વીસી અને રજિસ્ટ્રારે અકાઉન્ટ્સ વિભાગના કર્મચારી સામે બેઠક યોજીને તેમના આદેશ વગર એક પણ કાગળની માહિતી બહાર ન જવા દેવા માટે આદેશો આપ્યા હતા। આજ ઉનકા સીએઓ કા ઓફિસ સીલ હો ગયા હે। ये सुबह शायद कुछ ऐसा न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिंडिकेट मेंबर्स ने वीसी सर से मुलाकात करी और उसके बाद उन्होंने मुलाकात में ये डिसीजन लिया और मुझे डायरेक्शन दिया गया कि ऐसा काम करो, तो फिर हम मैंने वो उनको सील किया। उनको कोई नोटिस नहीं दिया, इन्फॉर्म नहीं किया और मैडम उनको बाहर ही रखा गया, तो कहीं ना कहीं ये पावर आपको नहीं मिलता ऐसा आपको मालूम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी हमने पूरी जानकारी के साथ कि हमारी क्या पावर्स हैं, रिलीविंग ऑर्डर्स उनको इशू कर रहे थे जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो बाहर बैठे हुए थे। तो रोका क्यों गया मैडम? उनको इसलिए रोका गया क्योंकि उनको रिलीव कर दिया है यहाँ से, यहाँ की उनकी सर्विसेज से उनको रिलीव कर दिया। क्या जरूरत पड़ी मैडम इसे अर्जेंटली? क्योंकि उन्होंने आपके सामने एलिगेशन किया है, वाइस चांसलर के सामने एलिगेशन किया है, इसलिए स्टेप लिया गया, उनका कहना ये है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप एक सेक्शन में आप फर्ज बजाते हो, उसी सेक्शन में आप गलत गलत चीज़ें सारे फॉल्स एलिगेशंस आप लगा के और सारी उसकी खबरें बाहर देते हो और बहुत गंदा गंदा आप बोलते हो अपने ही इंस्टीट्यूशन में, तो इसकी वजह से ये स्टेप शायद ऊपर सिंडिकेट मेंबर्स ने वीसी सर से डिस्कस करके ये स्टेप लिया है। मैम, ये जिस तरह से आरोप लगे हैं पूरे, ये आरोप की क्या जांच होगी? क्योंकि आपके ऊपर लगाया वीसी सर के ऊपर, तो इसकी जांच कराएगी यूनिवर्सिटी? हाँ, इसमें जो जांच करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फॉल्स एलिगेशंस भी हैं इसमें, और हमने जब फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उस समय हमने सारे पेपर्स के साथ आप लोग को सारी चीज़ें रजवात करी थी और इसका भी हम इसकी पूरी सारे पेपर्स हम आपको आपके समक्ष रखेंगे। मैम, ओझा सर का कहीं ना कहीं ऐसा कहना है कि उन्होंने जो वाइस चांसलर पर जो एलिगेशन लगे तो उनको कुछ द्वेष भाव रख के उनको पर्सनली उनको ही वो परेशान किया जा रहा है, ऐसा कुछ उनका बोलना है। उनका ऐसा कहना है कि मैं गवर्नमेंट के अंदर इसकी कंप्लेंट भी करूँगा। देखिए, एक ऐसी बात है, जब आदमी
डेपुटेशन पे आता है या कहीं भी सर्विस करने जाता है तो वो रूल्स रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पे लागू होते हैं उनके लिए। इनको ऐसा नहीं है जो ये बोल रहे हैं द्वेष भावना की बात, वो उनकी सोच है, ऐसा नहीं है। इनको एक दो बार हमने लेटर दिया कि आप प्लीज़ ऐसा करके जाइए, रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा ये बोलता है, तो उनको बहुत हर्ट हुआ कि इन्होंने हमको ऐसा क्यों बोला, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी कार्यवाही शुरू करी। और अगर उन्होंने उनको कोई प्रॉब्लम थी तो पहले उनको सीनियर जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनके संग डिस्कस करनी चाहिए थी, बजाय मीडिया में देने की, प्रेस में देने की। वो तो उनका बहुत ही बड़ा गुनाह है, मतलब डिस्कस नहीं कर केस और मीडिया में दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक प्रेस ऐसा नहीं, ऐसा एक नहीं है, वायोलेशन ऑफ रूल्स उनके बहुत सारे हैं। तो वो ये भी एक रीज़न है उनका कि रिलीव करने के लिए जो कि ऊपर से आदेश आ रहा है। करने की बात कर रहे हो आपके और ऋषि के सामने, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? उनको जो करना है करना है, हमने तो अपने रूल्स और रेगुलेशंस को पूरी ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। ये मान रहे हैं कि आज रिलीव कर दिया तो कभी ओझा साहब अभी इनकी ऑफिस में नहीं आ पाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। आप देखिए, जब आपको याद होगा पहली बार जब ये निकला था कि 5 करोड़ का रजिस्ट्रार वीसी का कौभांड और ऐसे करके बाद में बहुत सारा इन्होंने निकाला है, उन सब के पेपर्स हमने आपको उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजवात करे थे, अगर आपको याद है। ठीक है, तो बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन लगा के गंदा गंदा हम लोगों को हायर अथॉरिटीज़ के बारे में बोल रहे हैं, हमने भ्रष्टाचार किया है विदाउट एनी प्रूफ। तो ये भी एक उन रीज़न है। तो मैम, जिस तरह से यूनिवर्सिटी में कोई भी इश्यू होता है, छोटे छोटे इश्यू में भी जांच कमेटी बिठाई जाती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा है। तो यूनिवर्सिटी के जो मेन जो वीसी और आपके ऊपर आरोप लगा है, तो इसमें जांच से क्यों भाग रहे हैं, पीछे क्यों जांच नहीं करेंगे? नहीं, हम जांच से बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। हम मैंने अभी आपको बिल्कुल खुलासा किया है कि इससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स है हम मीडिया को देने के लिए तैयार हैं। जांच कमेटी क्यों नहीं बनेगी? जांच में कमेटी, देखिए ये सिंडिकेट की गाइडेंस अभी ली जाएगी, जो सिंडिकेट अगर जांच कमेटी बैठाएगी तो वो मान्य है, वो करेगी जो करेगी, ये सिंडिकेट डिसीजन लेता है। ओझा सर का कहना है अगर जांच कमेटी बिठाते हैं तो वीसी को भी प्रूफ देंगे और जांच कमेटी को भी देंगे, तो कब बिठाएंगे मिनिस्ट्री जांच कमेटी? वो सिंडिकेट ने आज डिसीजन जो ये लिया है, अब सिंडिकेट की गाइडेंस के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमेटी बनानी है, कैसे करना है, वो सिंडिकेट के जो हमें बोलेगी उस तरह से हम करेंगे। मैडम, जहाँ तक जांच होती है, एक बात होती है कि भी आप इतने बड़े पद पे रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके इतने गंभीर आरोप लगे तो आप अपने पद से अभी हट जाए और जब जांच कमेटी जब रिपोर्ट दे तब पद पे वापस आए, ऐसा आपको लगता है कि नैतिकता की? मुझे तो ऐसा लगता है जितने भी आरोप लगे हैं गलत लगे हैं, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं इसके, जो फॉल्स एलिगेशन एक दिन नहीं, ये 4 दिन से फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कोई कुछ भी बोलता रहे और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाए, वो सही बात नहीं है। क्या साहब अभी मतलब एक्शन रहते थे, इतने दिन हो गए और यूनिवर्सिटी अभी एक्शन में आई है क्योंकि ओझा साहब ने आप पे एलिगेशन किया, ये सारी बातें हैं मैम, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, 6 महीने में 3 महीने छुट्टी ली है, उसके लिए जब उनको बोला गया और उनकी एक जो डिमांड्स थी उनकी कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये सारी डिमांड्स होंगी कि जब इकट्ठा होगा तो हम बाद में देंगे, इसकी वजह से ये शुरू किया है उन्होंने। सिंडिकेट के कितने मेंबर आज जो परमिशन दिए सीलिंग के लिए, ये कार्यवाही कितने मेंबर? ऑलमोस्ट सारे 85-90% सारे थे। नंबर ऑफ संख्या लगता है सिंडिकेट गिना तो नहीं है, गिना तो नहीं देते आपको, तो जांच कमेटी बिठाने में उनको क्या प्रॉब्लम? तो बिल्कुल बैठेगी। देखिए, जो भी एलिगेशंस लगे हैं हम आपको पेपर्स के साथ आएंगे, जो जांच होगी वो सारे पेपर्स आपके सामने बाहर आएंगे। मैडम,